Good morning, dear children. How are you all? I hope you all are fine and safe. Today, in maths, I am going to teach you more and less. More means jada or less means kam. Now, when we have two objects of different quantities, one is more and the other is less. So, जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक में ज़्यादा है और एक में कम है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है, तो जिसमें ज़्यादा होगा वो मोर हो जाएगा और जिसमें कम है वो लेस हो जाएगा. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस विद द सम एग्जांपल्स. आई हैव प्लेस्ड सम शार्पनर्स इन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड. हाउ मेनी शार्पनर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4. फोर शार्पनर्स आर देयर in the left side, and the other side 1, 2, 3, only 3 sharpeners are there. So which one is more, this one or this one? This one, kyunki 3 se 4 jyada hai, 4 jyada hai na, so this one is more and this one is less. Come to the next. In the left side we have only one block and the other side we have 1, 2, 3, 4, and 5 blocks are there. So, in the left side we have only one block and the other side we have 5 blocks. So, which one is more? This one or this one? This one. है ना? क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ये more हो गया. This one is more and this one is less. Come to the next. Some erasers are there. In the left side we have only 2 erasers. है ना? 1 and 2. And the other side we have 1, 2, 3, 4, and 5. How many erasers are there? There are 5 erasers. 5 erasers. So, which one is more? Tell me. This one is more. Yes, this one is more and this one is less. ये ज़्यादा है इसलिए ये more हो गया और ये कम है. So, that's why ये less. Now, come to the next. Hey, what are these? These are toffees. Do you like eat toffees? Yes. बट प्लीज़ इसको ज़्यादा मत खाना, है ना, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, है ना. सो हाउ मेनी चॉकलेट्स इन द लेफ्ट साइड? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 टॉफीज इन द लेफ्ट साइड एंड द अदर साइड वी हैव ओनली 2 टॉफीज, 1 and 2. सो टेल मी विच वन इज़ लेस एंड विच वन इज़ मोर. दिस वन इज़ मोर एंड दिस वन इज़ लेस. Is that clear all of you? More and less. More means jyada and less means kam. Hai na? Now, keep out your maths book, page number 14. Page number 14. More and less. Look at here. Some exercise is there. Count the objects in each group and write their numbers in the box. It means aapko count karna objects ko each group mein. दोनों अलग अलग ग्रुपों में ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, फिर उनके नंबर्स लिखने हैं बॉक्स में, है ना. एंड टिक द ग्रुप विच हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स, और उस ग्रुप को आपको टिक करना है जो ज़्यादा है, जो मोर है. सो वन इज़ डन फॉर यू. लुक एट हियर. 1, 2, 3 बुक्स आर देयर. 3. हे, हियर इज़ रॉन्ग. 4 काट के आप 3 लिख लीजिए, है ना. एंड द नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5. 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, तो विच वन इज मोर? दिस वन. तो उन्होंने इसको टिक किया, है ना. कम टू द नेक्स्ट. हेयर आर 2 बेल्ट्स, है ना. तो वॉट वी राइट हेयर इन द बॉक्स? 2. एंड द अदर साइड 1, 2, 3, 4 बॉटल्स आर देयर. सो वॉट वी राइट हेयर? 4. तो विच वन इज मोर? दिस वन और दिस वन? दिस वन. दिस वन इज मोर, है ना, इसमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा है इसलिए ये मोर हो गया. कम टू द नेक्स्ट. सम टॉर्चेज आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 टॉर्चेज आर देयर. सो व्हाट वी राइट हियर? 6. एंड द अदर साइड देयर आर 5 मॉब्स. 1, 2, 3, 4, 5. सो व्हाट वी राइट हियर? 5. सो विच वन इज मोर? दिस वन और दिस वन? टेल मी. दिस वन. दिस वन इज मोर. सो we take here. And the next, come to the next. Some cool drinks are there. 1, 2, 3, 4. So what we write here? 4. And the other side 1, 2, 3,
4, 5 and 6 objects are there. So what we write here? 6. So we tick here because this one is more. Ye jyada hai, isliye humne isko tick kiya. Hai na? Come to the next. Here are some examples. So this is your homework. ये दो बच्चे हैं, ये आपको घर पे करना है ना, ये आपको होमवर्क करना है. विच वन इज लेस एंड विच वन इज मोर, पहले काउंट करिए, उसको बॉक्स में लिखिए, फिर जो ज्यादा है जो मोर है उसको टिक करिए, है ना. सो आज के लिए इतना ही. आपको समझ में आया मोर एंड लेस? इसकी घर पे और प्रैक्टिस कीजिए. तब तक के लिए हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.